हेलो, मैं हूं आपका दोस्त रमजानी। आपका मेरे चैनल आई एम रमजू चैनल पे स्वागत है। आज हम एक्सेल में कुछ नया सीखेंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखें। यहां पे दो अलग अलग शीट हैं, जिसमें अलग अलग ईयर का डेटा दिया हुआ है। अगर मुझे शीट एक के डेटा के साथ शीट दो के डेटा को साथ में ही देखना हो तो वन बाय वन शीट पे जाना पड़ेगा एंड तभी डेटा देख सकते हैं। लेकिन ये जो दो एक्सेल शीट है उसको एक ही समय पे साइड बाय साइड शेयर करके व्यू करना हो तो कर सकते हैं क्या? आज के वीडियो में इसी के बारे में हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्यू टैब में चले जाना है, न्यू विंडो पे क्लिक कर लेना है। नाउ फिर से व्यू टैब में चले जाना है, अरेंज ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अरेंज विंडोज मेन्यू ओपन, जहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हो। मैं यहाँ वर्टिकल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके कर लेता हूँ। दोनों वर्कशीट साइड बाय साइड सेट हो गई हैं। अब जब मैं फर्स्ट शीट में स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो वहाँ मूव हो रहा है, लेकिन सेकंड शीट पे कोई मूवमेंट नहीं है। अब जब दोनों शीट साइड बाय साइड व्यू कर रहे हैं तो एक शीट में अगर स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो दूसरी शीट पे भी स्क्रॉलिंग होना चाहिए कि नहीं? तो इस सिचुएशन में फिर से व्यू टैब में चले जाना है, व्यू साइड बाय साइड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। नाउ वी स्क्रॉलिंग इन बोथ शीट्स। दो शीट का डेटा एक दूसरे के साथ कंपेयर करना हो तो इस ट्रिक से दोनों शीट का साइड बाय साइड व्यू सेट करके कंपेयर कर सकते हैं। है ना अमेजिंग? डोंट फॉरगेट चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर।